हेलो एंड वेलकम टू पेबल्स किचन। आप सभी का पेबल्स के किचन में स्वागत है। आज हम एक बच्चों का फेवरेट पकोड़ा बनाने जा रहे हैं, जो है ब्रेड पकोड़ा। तो चलिए देखते हैं ब्रेड पकोड़ा कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड की स्लाइसेस जो हमारे पास बच जाती हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप 5 से 6 स्लाइस ब्रेड ले लीजिए। मैदा, तेल, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, धनिया के पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नमक। एक बोल लीजिए, उसमें ब्रेड के टुकड़े कर लीजिए और उसमें ब्रेड के टुकड़े डाल दीजिए और ऊपर से थोड़ा पानी छिड़किए। अब इसमें हम थोड़ा प्याज डालेंगे, टमाटर बारीक कटे हुए, हरी मिर्च, धनिया का पत्ता और नमक स्वाद अनुसार। ये सारे हमने ब्रेड के टुकड़ों में जो भिगो के रख दिया था उसमें डाला है। अब इसको अपने हाथों से ही इसको मिक्स कीजिए। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मैदा डालिए। एक बाइंडिंग होता है मैदा से। ये देखिए कैसा बढ़िया मिक्स हो गया है। अब हम इसको तलेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो अब इसके हम ब्रेड के पकोड़े बनाएंगे। आप छोटे छोटे राउंड शेप में बना सकते हैं, आप शेप कोई भी ले सकते हैं, लंबे हो, गोल हो, जैसे आपकी मर्जी। आप इसको धीमी आंच पे पकाइए। ये देखिए कैसा रंग बदलने लगे हैं, अच्छे सुनहरे हो गए हैं। जब आपको लगे कि अच्छे करारे ये तल चुके हैं तो आप इसको प्लेट में निकाल लीजिए। ये है हमारे ब्रेड के पकोड़े तैयार। तो आपने देखा ब्रेड पकोड़ा बनाने का विधि कितना आसान है। आप ज़रूर बना के देखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए और ये स्नैक के रूप में आप पेश कीजिए। आपको ये ब्रेड पकोड़ा कैसा लगा, आपका फीडबैक हमें ज़रूर भेजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।